अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अरसलान रशीद, लेक्चरर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस, फैसलाबाद। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ क्लाजियन शिमिट कंडेंसेशन। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लाजियन शिमिट कंडेंसेशन का सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे, फिर क्लाजियन शिमिट कंडेंसेशन का मैकेनिज़म, फिर इसकी वन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, और लास्ट पे हम इसकी मज़ीद कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्लाजियन शिमिट कंडेंसेशन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इट इज़ अ कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन एरोमेटिक एल्डिहाइड और अदर एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन विद एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्साइड और अल्कोक्साइड, टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। यानी ये एक ऐसा ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें टू मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। पहला मॉलिक्यूल जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है या कोई अदर एल्डिहाइड होता है, और इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए। ये मॉलिक्यूल एक और एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करता है। दूसरे वाला जो एल्डिहाइड और कीटोन है उसमें अल्फा हाइड्रोजन जो है वो होनी चाहिए। दो एल्डिहाइड या कीटोन के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बेस की मौजूदगी में रिएक्ट करते हैं, और इससे जो फाइनल प्रोडक्ट आता है दैट इज़ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। इस रिएक्शन में कॉमनली इस्तेमाल होने वाले जो बेसेस हैं दैट आर एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम एथोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में आप क्लाजियन शिमिट कंडेंसेशन की जर्नल रिएक्शन स्कीम देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ये वाला जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है दैट इज़ एरोमेटिक एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा जो कार्बनल कंपाउंड है इसमें अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। जब दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बेस की मौजूदगी में रिएक्ट करेंगे तो इससे पहले जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनल कंपाउंड। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनल कंपाउंड की अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोक्सिल रिमूव होने से यहाँ पर जो है अल्फा और बीटा पोजीशन पे अनसैचुरेशन हो जाएगी, जिससे बनने वाली फाइनल प्रोडक्ट दैट विल बी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनल कंपाउंड। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में आप क्लाजियन शिमिट कंडेंसेशन का डिटेल्ड मैकेनिज्म देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो कार्बोनल कंपाउंड नज़र आ रहा है इसमें ये वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये वाला कार्बोनल ग्रुप है। कार्बोनल ग्रुप की कार्बोनल कार्बन के साथ वाली कार्बन अल्फा कार्बन होती है, और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन बाउंड है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। इस अल्फा हाइड्रोजन की नेचर एसिडिक है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये वाला जो कार्बोनल ग्रुप है दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, ये जब अल्फा कार्बन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा तो इस अल्फा कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अल्फा कार्बन अपने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने साथ बाउंड हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगी, जिससे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस अल्फा हाइड्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा, और इसके नतीजे में अल्फा हाइड्रोजन की नेचर एसिडिक हो जाएगी। जब हम इस कंपाउंड का हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है इस एसिडिक हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेगा, और इसके नतीजे में इस कार्बन और हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन
अल्फा कार्बन और कार्बोनल कार्बन के दरमियान शिफ्ट होंगे, और कार्बोनल कार्बन और कार्बोनल ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यू कैन सी हेयर ओ एच ने एच लेके वाटर बना दिया। इस कार्बन और हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस अल्फा कार्बन और कार्बोनल कार्बन के दरमियान शिफ्ट होने से इस अल्फा कार्बन और कार्बोनल कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड बन गया, और कार्बोनल कार्बन और कार्बोनल ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे शिफ्ट होने से इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ गया। ये वाली ऑक्सीजन अपने ऊपर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज बियर नहीं करेगी। ये इस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाने के लिए अपना लोन पेयर दोबारा इसको डोनेट करेगी, जिससे कार्बोनल कार्बन और अल्फा कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस अल्फा कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे इस अल्फा कार्बन पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बोनल कार्बन और कार्बोनल ऑक्सीजन में दोबारा पाई बॉन्ड बन गया, और कार्बोनल कार्बन और अल्फा कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन अल्फा कार्बन पे शिफ्ट होने से इस अल्फा कार्बन पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ गया। इस आयन को इनोलेट आयन कहा जाता है। ये इनोलेट आयन की दो रेजोनेंस फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट स्टेप में इनोलेट आयन की अल्फा कार्बन का लोन पेयर दूसरे एरोमेटिक एल्डिहाइड की कार्बोनल कार्बन पे अटैक करेगा। जब ये वाला लोन पेयर दूसरे एरोमेटिक एल्डिहाइड की कार्बोनल कार्बन पे अटैक करेगा, तो इस कार्बोनल कार्बन और कार्बोनल ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनोलेट आयन की अल्फा कार्बन और एरोमेटिक एल्डिहाइड की कार्बोनल कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन गया, और इस कार्बोनल कार्बन और कार्बोनल ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे शिफ्ट होने से इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ गया। जब हम इस आयन का एसिडिक वर्कअप करेंगे, तो ये वाली ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन को ले लेगी, जिससे ये OH में कन्वर्ट हो जाएगी, और इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी दैट विल बी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनल कंपाउंड। लास्ट स्टेप में इस बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनल कंपाउंड की डिहाइड्रेशन होगी। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा, जिससे वाटर रिलीज हो जाएगा। इस प्रोसेस के नतीजे में इस कार्बन और हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान शिफ्ट होंगे, जिससे इस अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड बन जाएगा, और इससे हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट हासिल होगी दैट विल बी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनल कंपाउंड। स्टूडेंट्स, अगर हम क्लाजियन शीमेट कंडेंसेशन की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की बात करें, तो क्लाजियन शीमेट कंडेंसेशन को ऐसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनल कंपाउंड की प्रेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जिनकी फार्माकोलॉजिकल और परफ्यूमिंग इंडस्ट्रीज में एप्लीकेशंस होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेंजाल्डिहाइड जो है एसीटोन के साथ बेस की मौजूदगी में रिएक्ट कर रहा है, जिससे हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक कीटोन प्रिपेयर हो रही है। ये वाली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक कीटोन जो है इसकी परफ्यूमिंग एप्लीकेशंस है। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में आप क्लाजियन शीमेट कंडेंसेशन की दो मजीद एग्जांपल्स देख सकते हैं। ये वाला जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एल्डिहाइड, और ये एसिटाल्डिहाइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में रिएक्ट कर रहा है, जिससे हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रही है दैट इज अल्फा बीटा गैमा डेल्टा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एल्डिहाइड। सेकंड एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि बेंजाल्डिहाइड जो है प्रोपानल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में रिएक्ट कर रही है, और इससे हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एल्डिहाइड प्रिपेयर हो रहा है।